अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको क्रॉनिक किडनी फेलियर पेशेंट की एक रिपोर्ट बताना चाहता हूँ। एक पेशेंट है जिनका नाम रेशमा बानू और एज इनकी 36 ईयर, बेंगलुरु से ही है। जब वो पहली मरतबा आए थे तो उनका क्रिएटिनिन लेवल 2.5 था और वो अभी एक महीने की दवा मेरे पास से लेके गए और अल्हम्दुलिल्लाह एक महीना उन्होंने दवाई खाई। उसके बाद मैंने फिर से एक मरतबा ब्लड टेस्ट देखा कि क्या कितना फ़ायदा होता है, क्योंकि फिजिकल तो इम्प्रूवमेंट होती ही है यूनानी मेडिसिन से, जैसे कि स्वेलिंग कम हो जाना, यूरिन आउटपुट अच्छा होना, पेशेंट को ताकत आना, ये फिजिकल इम्प्रूवमेंट्स होते ही होते हैं। मगर पेशेंट चाहता है कि वो ब्लड टेस्ट में भी रिजल्ट देखें, तो मैंने जो है जाहिर सी बात है कि मतलब उनकी तसल्ली के लिए मैंने एक टेस्ट लिखाया जहाँ पर 2.5 था क्रिएटिनिन लेवल, दवा खाने के बाद जो है 1.7 हो गया। यानी यहाँ पर मैक्सिमम ही जो है वो क्रिएटिनिन का जो नॉर्मल रेशियो है वो मैक्सिमम 1.2 है, तो इनका मैक्सिमम दवा खाने पर सिर्फ 1.7 है। अल्लाह अगर चाहेगा तो और 15-20 दिन की दवा के अंदर ये कम्प्लीट नॉर्मल भी आ जाएगा। कहने का मकसद ये है कि जो क्रॉनिक किडनी फेलियर है, अगर क्रिएटिनिन 5 के अंदर और यूरिया 100 के अंदर आ जाते हैं और दवाएं शुरू कर देते हैं तो अल्लाह अगर चाहेगा तो डायलिसिस करने की और ट्रांसप्लांटेशन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, कुछ डाइट है जिसको जो है फॉलो करना जरूरी है, उसको आप फॉलो करेंगे तो बेहद फायदा होगा। जो पेशेंट ऑलरेडी डायलिसिस में चले गए हैं, ऐसे लोगों को थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है क्योंकि डायलिसिस करने के बाद उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो इस वजह से जो है हम दवा खिलाते हैं और बाद में ऐसे पेशेंट को धीरे धीरे डायलिसिस कम करवाते हैं। तो ये कुछ जो है प्रैक्टिकल रिजल्ट्स थे। मैं पेशेंट को इस वजह से लाइव नहीं कराना चाहता क्योंकि ये मैजिकल एक्ट्स में आता है और वो बिल्कुल सही भी नहीं है कि आप पेशेंट अपनी पहचान भी बताना नहीं चाहता। तो ये जो प्रूफ है कि मतलब जो है यूनानी मेडिसिन के अंदर जो है बहुत अच्छा रिजल्ट है क्रॉनिक किडनी फेलियर का, खासकर इनिशियल स्टेज में। अस्सलाम वालेकुम।